आज हम 9th क्लास का कंप्यूटर का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि एक नहायत ही आसान पेपर है जिसमें आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटर का पेपर जो है 75 मार्क्स का है और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 3 घंटे। इसकी डिवीजन इस तरीके से कि आपको 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये है 15 मार्क्स का और इसमें जो है 15 क्वेश्चन होंगे जो आपको लाजमी सारे अटैम्प्ट करने। अच्छा, आपके इस पेपर के ऊपर एक कोड लिखा हुआ होगा, वो कोड लाजमी अपने आंसर शीट पे लिखें और जो कोड आपका है वही कोड आप लिखें, वरना आपका जो है ये पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, सेक्शन ए इसके लिए आपको दिया जाएगा टाइम हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। तो आपको ये सेक्शन जो है सेक्शन ए 30 मिनट्स में कम्प्लीट करना है। सेक्शन बी में जो है आपको 14 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए होंगे जिसमें से आपको 9 अटैम्प्ट करने और हर सवाल जो है 4 मार्क्स का है। तो इसकी डिवीजन ऐसी हो गई टाइम की, आप डिवीजन ऐसी कर लें कि आप 9 सवाल करने तो 10 मिनट्स में आपका एक सवाल कंप्लीट हो जाए, तो इस तरीके से 90 मिनट्स में आपका सेक्शन बी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी जो है वो 24 मार्क्स का है जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने और हर सवाल जो है वो 6 मार्क्स का है, और एक सवाल को आप 15 मिनट में अटैम्प्ट कर लें तो इस तरीके से 4 सवाल आपके 1 घंटे में पूरे हो जाएंगे। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज आप डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें जो है इंपॉर्टेंट सवाल जो है जनरेशन हैं, इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट और फोर्थ जनरेशन हैं, वरना लाजमी कोई ना कोई जनरेशन ज़रूर आएगी पेपर में। और फिर जो है आपके पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड्स, फिर शॉर्ट नोट आ सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। इसी तरह से फिर इसमें क्वेश्चंस ये भी आ सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। और इसी तरीके से फिर आपके पास इस चैप्टर में जो है एक और सवाल आ सकता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी 3 तरह के हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। चैप्टर टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं। इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कवर कर लेता है। तो इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो सीपीयू है, सीपीयू को आपको उन्होंने कंप्लीट डिस्क्राइब करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और फिर इसमें बसेस हैं, ये बसेस 3 तरह की होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। ये बसेस वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिए। और फिर टाइप्स ऑफ पोर्ट्स हैं, 2 तरह की पोर्ट्स हैं, ये भी एक डिस्क्राइब करने के लिए एक लॉन्ग सवाल भी आ सकता है कि पोर्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आपने बताएं, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। चैप्टर थ्री भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस ये भी जो है आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर कर लेता है। तो इसमें ये चैप्टर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसमें एक कीबोर्ड का सवाल है जो कि एक लेंथी लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है यूजली पूछा जाता है, तो इसमें आपको कीबोर्ड जो है कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना होता है विद इट्स डिविजन्स। और फिर या फिर इस चैप्टर्स में आपके पास मोस्टली जो है बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, या फिर ये माउस, ट्रैक बॉल, इस तरह के सवालात आ जाते हैं। इसमें एक और सवाल जो है वो स्कैनर्स है, स्कैनर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, या प्लॉटर्स आ सकते हैं। इसमें एक सवाल ये भी है कि प्रिंटर्स के कितनी टाइप्स हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये सवाल लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। चैप्टर 4 जो है स्टोरेज डिवाइसेज है। इस चैप्टर में जो है इस तरीके से सवाल पूछ ले जाते हैं, या तो वो डिफाइन करके पूछ ले जाते हैं, या नोट डिफरेंसेस भी करके पूछ लेते हैं, या फिर कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट। तो ये शॉर्ट नोट किस पर लिख सकते हैं, या ये किस तरीके से बोर्ड का टीचर आपसे पूछ सकता है, वो है रैम रोम का डिफरेंस, या डी रैम, एस रैम, सिमिम, डिमिम। और इस तरीके से स्टोरेज डिवाइसेस पे नोट्स आ सकते हैं लाइक हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप। 5th चैप्टर है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन में क्या है, डिफाइंड डाटा आ सकता है और वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा, तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को डिफाइन करना होता है। और फिर क्या है नंबर सिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन्स आते हैं। हमारे पास 4 नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन्स हैं, जो है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टा। इनके यूजली जो है लाजमी सवाल जो है ये सेक्शन बी में जो है पूछे जाते हैं, इनमें कन्वर्जन्स आते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको कन्वर्जन्स कन्वर्ट करनी होती है। और एक जो है सवाल बाइनरी अर्थमेटिक्स का आ जाता है जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन्स करनी होती है। 6th चैप्टर जो है वो बोलियन अलजेब्रा है। बोलियन अलजेब्रा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो कार्नोट मैप है, कि कार्नोट मैप जो है 2 वेरिएबल्स, 3 एंड 4 वेरिएबल्स पूछे जा सकते हैं आपसे। और एक इस चैप्टर में एक और सवाल ये भी है कि बोलियन अलजेब्रा के जो है लॉज हैं और कुछ 12 रूल्स हैं जिनकी मदद से आपको जो है सॉल्व कर सकते हैं आप बोलियन अलजेब्रा।
और ये सवाल जो है प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ भी पूछ ले जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल भी पूछ ले जाते हैं। और सिक्स चैप्टर में से जो है आपसे डिमोर्गन्स थ्योरम पूछा जा सकता है, डिमोर्गन्स थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है चैप्टर 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, तो इसमें से जो है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और फिर डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ये आप कर लीजिए लाजमी। बोर्ड के पेपर में जो है मोस्टली जो देखा गया है कमांड्स हैं वो MCQs में आ जाती हैं, तो इसके लिए जो है आप बुक को गो थ्रू कर लें, बुक्स में कुछ कमांड्स हैं उनको याद कर लें। फिर लास्ट चैप्टर चैप्टर 8 जो क्या है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ ऑपरेटिंग, इसमें क्या है डिफाइन विंडोज़ डेस्कटॉप, विंडोज़ डेस्कटॉप में जो है हमारे पास चंद चीज़ें आइकन, टास्क बार, स्टार्ट बटन। फिर ये इसमें इस चैप्टर 8 में जो है आपसे नोट्स इन द फॉर्म ऑफ नोट पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल्स। और फिर लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है हाउ टू चेंज अ वॉलपेपर और हाउ टू चेंज अ स्क्रीन सेवर, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आप फॉलो करके जो है ये सवाल भी कम्प्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आप ये तमाम के तमाम 8 चैप्टर्स में से इस तरीके से इम्पॉर्टेंट्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये कंप्यूटर का पेपर बहुत बेस्ट होने वाला है और इस ये आप जो है हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में। ऑफ द स्कूल को आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।